सुप्रीम कोर्ट में फाइनली फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच स्टैब्लिश हो गई है, पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं क्या? आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि जब भी कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है जहां पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना पड़े, तब मिनिमम नंबर ऑफ जजेस 5 होने चाहिए किसी भी बेंच में, उसी बेंच को हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। इंडिया में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एके गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में हुई थी 1950 में, जहां पर हमने आर्टिकल 21 और प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को इंटरप्रेट करा था। अब ये सर्कमस्टांसेस कौन कौन से होते हैं कि जब हमको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच स्टैब्लिश करनी पड़े? सबसे पहला सर्कमस्टांस है जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ है जहां पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है। दूसरा, जब भी डिवीजन बेंच से रेफरेंस जाता है हायर बेंच को किसी भी क्वेश्चन को लेके या फिर किसी भी डाउट पे क्लेरिफिकेशन के लिए, तब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच स्टैब्लिश होती है। अब हम जब तीसरे कंडीशन की बात करते हैं, तो आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट को पावर्स देता है सुप्रीम कोर्ट को रेफर करने के लिए या सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन सीक करने के लिए, तो उन केसेस में भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच स्टैब्लिश होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी सजेशंस हो, कोई भी डाउट्स हो, तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। थैंक यू।